अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, कल रात तो मैं ना वापस घर आ चुकी थी, और ना फिर ना आज ना बाजी नूरी इन लोगों ने ना दुआएं खैर रखी थी अपने अब्बू के लिए, तो मैं घर वापस इसलिए आ गई थी। मैंने कहा चलो कि भाई घर जाके बंदा फ्रेश होके आ जाता है, और साथ में ना फिर मैंने कहा था कि बाजी आप कोई ना कोई चीज़ मुझे दे दो, तो ना वो ना मैं भी ना मना के ले आऊँगी घर से ना। तो बस अभी जी एकदम से ना हम लोग ना फ्रेश होके यहाँ पे खड़े हैं, जाने लगे थे, निकलने लगे थे, लेकिन मैंने ना जो भी व्लॉग ना घर में सारा दिन ना बनाया है ना, आप लोग जल्दी से जाएं वो देख के आए, और फिर हम आप लोगों को मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। मैं अपने लिए रेडी करने लगी थी जी गर्मा गर्म नाश्ता, इतना चाय ना उबल जाए थोड़ा सा। तो जी मैंने यहाँ पे जी टू एग फ्राई किए हैं, साथ में ना मम्मी ने कल बनाया था कीमा, शिमला मिर्च और आलू का सालन, वो थोड़ा सा लिया मैंने कहा अच्छे से ये गर्म हो जाए, साथ लेंगे ब्रेड का स्लाइस और कर लेंगे जी नाश्ता। जल्दी से भी कर लेते हैं नाश्ता, अगर किसी ने नाश्ता करना है तो आप भी आ जाइए, फिर नाश्ता करके आप लोगों से मिलते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया था, नाश्ता करने के बाद भी सारी डिशेस वगैरह वाश की हैं, बच्चों के फीडर वाश करके इधर रख दिए हैं, और इधर भी अभी बच्चे जो हैं बिजी हो गए हैं क्या करने में, टीवी देखने में, बच्चे देख रहे हैं जी टीवी दोनों, और हम यहाँ पे जी मैं और अम्मी करने लगे हैं क्या, हम भाई यहाँ पे ना अम्मी और मैं मिलके बनाने लगे थे जी मटरों वाला पुलाव, या मटरों वाले चावल आप कह सकते हैं, उसकी अम्मी जी यहाँ पे प्याज की कटिंग शटिंग करके, यहाँ पे जी मम्मी ने ना प्याज की कटिंग कर दी थी मुझे, मैंने कहा अम्मी आप कर दी, यहाँ ना बहुत ज्यादा प्याज रुलाता है भाई, मम्मी ने यहाँ पे प्याज की कटिंग कर दी है, और यहाँ पे जी सारे मसाले जो हमने यूज करने हैं वो ना कोलियों में निकाल के रख लिया, फिर एक तो ईजी होता है और जल्दी जल्दी से ना चीज बन भी जाती है, पीछे आगे भागना नहीं पड़ता। और यहाँ पे जी दो बड़े बड़े पतीले ला के रख दिए हैं, और बस पहले एक का मसाला रेडी कर लेंगे और फिर दूसरे का मसाला रेडी करेंगे। अभी टाइम जो है, टाइम इस वक्त है 2:29, और हम लोगों ने जाना है अभी 6 o'clock, तो पता क्या करेंगे, मसाले जो हैं वो रेडी करके रख देते हैं, तो जब ना जाने का टाइम आएगा ना तो 1 hour पहले ना एक को दम देंगे ओवन में, फिर दूसरे वाले को रेडी करके दम दे देंगे ओवन में, अगर मसाले रेडी होंगे तो फिर हम जल्दी जल्दी से ना ओवन को ओवन में ना दम के लिए रख सकते हैं चावलों को। भी निकाल लेते हैं जो है हम लोग ये वाले यूज करते हैं दीपक वालों के, इनके बहुत ही जबरदस्त होते हैं, मैं कहती हूँ इतने जबरदस्त, और बिल्कुल भी मीठे नहीं होते, जो बिल्कुल फूड से या मतलब लेके आए ना वो वाले जो होते हैं ना वो ना मीठे होते हैं, और ये मीठे नहीं होते, और इनके चावल भी बहुत मजेदार यमी यमी से बनते हैं। मम्मी यहाँ रख लेते, अभी यहाँ पे करें ऑयल ऐड, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि सब दिन खाने अच्छे अच्छे से पकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो वाला ऑयल गर्म हो गया था, अभी ये वाला गर्म नहीं हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, फिर इसमें भी प्याज ऐड करते हैं। हमें दोनों चूल्हे ऑन करने के, इको ही इको के दोनों ही, एक ही बस ठीक है, एक एक और 2:11 होते हैं, काम भी जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। यहाँ पे मम्मी कहती मटर सारे इसमें निकाल के रख लेते हैं, फिर हमें हिसाब होगा कि मतलब आधे आधे कैसे डिवाइड करके डालने। और यहाँ पे जी मम्मी ने सारे मटर निकाल दिए, डिशेज जो धोने वाली ना साथ साथ अगर सिंक में रखते जाते हैं, फिर एंड पे इनको ना वॉश कर देते हैं। अभी तो सिंक खाली है, अभी मैंने सारे वॉश करके रखे थे पहले थोड़ी देर, अभी कर देते हैं जी फैन ऑन, क्योंकि फिर इन्होंने तो सारे गर्मी हो जानी है स्मेल। मसाला रेडी करके इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करती हूँ। इधर वाले चूल्हे की आंच जो है ना जरा तेज है, तो वो मसाला काफी हद तक आगे चला गया, और यहाँ पे जी भी ऑलमोस्ट प्याज रेडी है, और यहाँ पे जी सारे मसाले मम्मी ने बना के दिए उनके ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीछे पंखे की आवाज़ है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आएगी या नहीं। मम्मी थोड़े जहा पानी पायो इधर साइड पे, मम्मी पानी पायो, अभी जी इसमें भी मटर ऐड करने लगे हैं। चार चार ना
ठंडे थे ना, तो जैसे मसाले में ऐड किया मसाला फिर ठंडा हो गया, हम थोड़ी देर तक फिर है ना हीट अप हो जाएगा। अभी जी पतीलों को स्विच कर दिया, क्योंकि वो जो दूसरे वाला पतीला वो तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और इसको अभी तक पता ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा मम्मी इधर करें, मैं इसकी तरह अच्छे से ना बुनाई करूँ। क्या खा ले रहे? ले लो, खा लो मेरा बेटा। मसाले जो है एकदम से रेडी हो चुके हैं दोनों साइडों के। हमने बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाने, क्योंकि फिर आपको पता बच्चे हैं वहाँ पे और सब गेट टुगेदर जब होता है ना तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते, तो इसलिए फिर ना नॉर्मल मिर्च ही रखी है। बस अभी जी चूल्हे कर देते हैं जी बंद दोनों साइडों के, और ऊपर इनको कर देते हैं जी कवर। एक बार हिला देता कि मिर्चें जो है ना स्टीम में चले जाए, और फिर इनको कर देते हैं जी कवर। ले लो ले लो, और इसको भी कवर कर ना, वो भी ग्रेजुएशन है निकाल के लिए यहाँ रख लेते हैं। मैं जी अभी जाने लगी थी ऊपर, कपड़े भी यहाँ पे मैं सुबह जाती हुई नीचे वॉश करने के लिए डाल गई थी। अभी इनकी ना साइड जो है उनको स्विच कर लेते हैं। इनका खेलने में बिजी है, जो कपड़े पहन के जाने तब तक उनको ना आयरन ही कर लेते हैं। ये ड्रेस है और मम्मी ने पहन के जाना है जी ये वाला। यहाँ पे निमरा के सपाड़े का टाइम हो गया, इसके टीचर का वेट कर रहे हैं, वो कॉल कर। मैंने तब तक आप ना रिवीजन कर लो निमरा, आज हफ्ते के बाद पढ़ना है सपाड़ा इसने। निमरा को ऊपर पढ़ाती, जब नीचे आई तो मम्मी ने ना एक चावल तो रेडी करके ना ओवन में चले गए दम पे। मम्मी निकलने वाले के लिए टाइम है, बस ऑलमोस्ट रेडी है निकलने वाले, और जो दूसरे वाले हैं पास पास पहुँच चुके हैं। ये देखे बस बॉयल आ चुका है, अभी मम्मी इसमें भी चावल ऐड करने लगी। चावल जो इनका पानी है मम्मी ने ड्रेन कर लिया। सभी चावल निकाल के मैंने यहाँ रख लिए हैं। 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गरम है ना, इसको ना मैं सिंक में रखती हूँ। चावलों को ना एक बार है ना नरम हाथों के साथ हिला देते हैं, क्योंकि अगर मैंने नहीं ना हिलाया तो जहाँ पे होंगे ना वहीं पड़ी ना एक दूसरे के साथ जुड़ी ना जाए। और ये चेक करें माशाल्लाह से एकदम से लंबे लंबे से चावल। चावलों को ना मैंने हिला के इस ब्लैंकेट में कवर करके रख दिया, तब फिर ठंडे नहीं होंगे ना, गर्म रहेंगे। और ये भी ऑलमोस्ट रेडी टू गो इन है। बस मम्मी कर दो कवर। चलो आलो चलो रख बिस्मिल्लाह। चलो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाए। एकदम से मैं फ्रेश हो चुकी थी, बस अभी भी मैं भी नीचे जाने लगी थी। बच्चों को भी मैंने सुबह ही फ्रेश कर दिया था, तो वो ऑलरेडी नीचे अम्मी के पास है। हैदर कह रहे थे मामा मुझे चावल खाने हैं, तो अम्मी कहती चलो मैं ना हैदर को ना थोड़े से चावल खिला देती। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ही ज़्यादा पिग्गी है। तो बस अभी बच्चे नीचे हैं, मैं भी नीचे जाने लगी हूँ। मैस कहती है कि मैं रेडी होकर ना नीचे आता हूँ, तब तक ना आप चलो जल्दी से भी निकलते हैं। पंखा बंद कर देते हैं। आज हम नीचे जा रहे हैं, आप आ जाए। अम्मी भी आवाजें दे रही हैं, अम्मी जी आगे 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 आगे, मम्मी जी आगे आगे। अभी चावल रेडी है, इनको भी बाहर मिलते की निकाल लो, और ना हिला के एक बार ना आंखा बंद करो, रैप कर। रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस यही होता है कि चावल ना टूटे नहीं, ये चेक करें, बिल्कुल एकदम से लंबे लंबे से चावल है। दो जगह पकाने का मेन मकसद यही था कि बस चावल टूटे ना। जो चीज आंखों को अच्छी लगती है फिर वो खाने का भी मन करता है। चलो चलो, कह रहा गाड़ी में रख दूंगा, आपने भी लाना है जा ले आओ। चलो ठीक है ओके। मैंने फोन कह रही हूँ, दूसरे फोन का मेरे मुंह से भी फोन निकल गया। और यहाँ पे जी मैंने चावल ला के बाहर रख दिया, मैं पानी भी रख रहे हैं, कह रहे थे भाई मामा ने बोला पानी भी लेते आना। अदर जी बैठो 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 बैठो, चलो पीछे हो ना मामा, दरवाजा खोल दे, चल जल्दी बैठो कार सीट से। चलो हैदर जल्दी से, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, जितनी मर्जी जल्दी कर लो फिर भी देर हो जाती है। चलो निमरा थोड़ा सा उधर करो, जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी 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 जल्दी। चलो फिर मैं बैठूंगी, मैं कहाँ बैठूंगी, चलो। से भी हम लोग निकल चुके हैं जी फ्रेंड, और बस ना यही रिक्वेस्ट है लोग से कि ना ट्रैफिक ना हो, और
इधर तो भाई सो गए, घर से 5 मिनट दूर नहीं निकलते और इसमें सो जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग पहुंच चुके हैं, बच्चे आगे आगे अम्मी लेके चले गए और इधर पार्किंग कर दिया। मैंने कहते वेट करो सारा सामान अंदर उतार ले, और माशाल्लाह से सब आ चुके हैं लाइन से, सबकी गाड़ियां इधर भी इधर भी। चलते हैं अभी जी अंदर, अगर तो मैं व्लॉग बना सकी तो अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर नहीं तो फिर वापस गाड़ी में आके मिलते हैं। दुआ कर ली थी जी फ्रेंड्स, अभी बस हम लोग लगाने लगे थे जी खाना, और बस अब मैं ज़्यादा नहीं शेयर कर सकती क्योंकि आपको पता है सब फैमिली मेम्बर्स हैं तो ना क्लिप्स बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बस कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई जाता है ना इस दुनिया से तो हम सब के लिए ये एक लेसन होता है कि हम सब ने भी उधर ही जाना है। बस अल्लाह पाक हमें ना हदायत दे, हमें निकी की राह दिखाए। बाकी भी बड़ा दुख होता है जब कोई जाता है ना, वो तो दुख में होता ही है, उसको देख के ना जब हमें जब जो जो हम इस वक्त से गुजरे होते हैं ना तो वो सारा वक्त याद आता है, आंखों के सामने रिमाइंड होता है। एक जो सारा अरेंजमेंट है ना वो हम लोगों ने भी इधर गैराज में किया है, खाना भी अभी लग रहा है। मैंने कहा चलो सासुर भाभी लोग लेके आ रहे, मैं इनके ना कवर रिमूव कर दूँ, चावल आने। अच्छा सारा खाना भी टेबल पे लग चुका है, अभी जी पहले लड़के लोग मर्द लेंगे और फिर हम लोग लेंगे, फिर लेडीज। लेट्स गो फॉर लीविंग, पापा इज आउटसाइड। बाजी ने भी थोड़ा सा फ्रूट था वो भी पैक कर दिया। चलो चले जल्दी आ जाओ, चलो मैं ये पीछे से खोल दे, मैं ना ये पीछे रख दूँ, फ्रूट बाजी ने दिया, मैंने कहा आगे। बर्तन सारे भी गाड़ी में रख लिए, फ्रूट लिए तो इसमें रख लेते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी बैठो गाड़ी में, चलो चलो खुल गया, चलो चलो बैठ। नहीं भाई इधर तो नहीं है, नहीं इधर नहीं है, बच्चे ना असल में ना सारा दिन बाहर खेलते रहे ना, तो चले सब चले गए, अभी हम जाने लगे इधर। सब आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा सबने मिलके दुआ की, अल्लाह पाक भाई उनकी मगफरत फरमाए और पीछे जितनी भी फैमिली मेम्बर है सबको ना सबर दे। बड़ा मुश्किल टाइम होता है लेकिन वक्त के साथ साथ ना अल्लाह पाक खुद ही सबर दे देता है। अभी जी हम लोग जाने लगे थे जी घर वापस, बच्चे पीछे कार सीट में है, इधर इधर निमरा। और जी आज का जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पर एंड करूंगी, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।